फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट टू दी क्लास 10th पार्ट 4th। ये असी पंजाबी मीडियम का जिहड़ा चौथा पार्ट लेके आ रहा वा, ये असी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे गल करांगे। स्टार्ट करते हैं सैशन। जिहड़ा पहला इहदा लॉन्ग क्वेश्चन वह है भारत की जलवायु के किहड़े किहड़े तत् प्रभावित करते हैं। हुण जिहड़े जिहड़ा भारत जलवायु आ, जिहड़ा क्लाइमेट आ, उहनूं किहड़ियां चीज़ां इफेक्ट करदे ने। सानूं पता भी जिहड़ा भारत आ उह की आ, भिन्नतावां दा भरिया देश है। इहदे विच अलग अलग कई तत् ने जिहड़े इहनूं प्रभावित करदे आ। पहला हैगा भूमध्य रेखा तों दूरी, हुण जिहड़ी टॉपिक ऑफ कैंसर आ उह तों जिहड़ी साडी दूरी आ, वी जिहड़ा भारत आ उहदे उत्तर अर्ध गोले जाने कि जिथे साडा कश्मीर पंजाब हरियाणा इह आउंदा वा, ते भूमध्य रेखा दी नेड़ता स्थित है, वी इह नेड़े स्थित आ। ते इहदा जिहड़ा पर्वत खेतरां नूं छड्ड के देश दे सारे खेतरां विच लगभग सारा साल जिहड़ा तापमान आ उच्चा ही रहिंदा वा, ते इत्थे गर्म पौण पाणी वाला देश वी कहा जांदा है। धरातल हुण जिहड़ी इहदा गल कीती जावे रिलीफ दी, भी एक पासे जिहड़ा इहदा हिमालिया दी श्रेणियां लगदियां ने जिहड़ियां एशिया मध्य भाग ते आउण वालियां बर्फीलियां ते शीत लहरां तों सानूं बचाउंदियां ने, ते दूजे पासे साडियां उच्ची जिहड़ी बंगाल दी खाड़ी तों आउण वाले मानसून पौणां दे रस्ते विच रुकावट बणदियां ने, तां करके जिहड़ा उत्तरी मैदान दे विच वर्खा दा कारण बणदियां, जिवें हुण साडे जिहड़ा मीह पै रिहा उह साडी धरातल दे करके ही पै रिहा वा। नैक्सट हैगा वा वायू दबाव प्रणाली, भी जिहड़ा गर्मी रुत्त दे विच जिहड़ियां सूरज दीआं किरणां ने उह कर्क रेखा ते सिद्धियां पैण लग जांदियां ने, तां करके इत्थे की आ जिहड़ा उत्तरी भाग दे विच तापमान वधण लग जांदा, यानी कि हुण जिहड़ा साडे टाइम की आ टैंपरेचर कई बार की हो जांदा बहुत ज़्यादा वध जांदा वा। तां इहदा रीज़न इही हुंदा वा कि आ वी उस समें जिहड़ियां सूरज दीआं किरणां हुंदियां ने उह भूमध्य रेखा दे उत्ते सिद्धियां पैण लग जांदियां ने, तां करके टैंपरेचर इनक्रीज़ होण लग जांदा, ते जिहड़ा उत्तरी विशाल मैदान आ जिहड़ा उहदे घट दबाव वाला जिहड़ा खेतर आ हवा दा केंद्र बणना शुरू हो जांदा, तां सर्दियां दे विच जिहड़ा हिंद महासागर आ उत्थे घट दबाव पैदा होणा शुरू हो जांदा वा। नैक्सट हैगा मौसमी पौणा, भी जिहड़ियां भी क्लाइमेट जां तुसीं कह दो भी जिहड़ियां सीजनल जिहड़ियां पौणा आउंदियां ने उहदे विच, भी देश दे अंदर गर्मी ते सर्दी दे विच हवावां दे दबाव दे विच परिवर्तन होण कारण भी गर्मियां दे 6 महीने समुंदर तों थल वल ते सर्दियां विच थल तों समुंदर वल नूं पौणा चलदियां ने। धरातल ते चलण वालियां इह मौनसमी पौणा ते मानसूनी पौणा दीआं दिशावां संचारी चक्कर जां जैट स्ट्रीम्स दे ते प्रभावित करदा है। इहदे कारण जिहड़ियां गर्मियां दे विच जिहड़ा चक्रवात आ ते भूमध्य रेखा दे उत्ते सागरी खेतरां दे विच पछमी मौसमी गड़बड़ियां दा प्रभाव भी देश दे उत्तरी भागां तक आ पहुँचदा है, ते भरपूर वर्खा प्रदान करदा है। नैक्सट हैगा वा हिंद महासागर की नेड़ता, भी जिहड़ा समुचा देश आ उहदी जिहड़ी जलवायु आ उह हिंद महासागर नूं प्रभावित करदी आ, तां हिंद महासागर दे विच जिहड़ा सतह पद्धरी आ ते इहदे वजों जिहड़ा भूमध्य रेखा दे उत्ते दक्षणी भाग दे उत्ते दक्षण पछम दे विच मानसूनी पौणा जिहड़ियां ने उह तेज़ गति दे नाल चलणियां शुरू हो जांदियां ने, ते इहदे करके जिहड़ी नमियां पूरे देश दे विच खिंडर जांदी आ। फिर आ जांदा प्रायद्वीपी भाग, भी इह तिन पासे जिहड़ा समुंदरां नाल घिरे होण करके भी इहदे तटी भाग जिहड़ा वा उह समकाली जलवायु मिलदी आ, ते इत्थे की आ ना बहुती घट गर्मी हुंदी आ ते ना ही सर्दी जिहड़ी हुंदी आ उह बहुत घट सर्दी हुंदी आ। तां इह सच आ भी जिहड़ा भारत की आ उह तपखंडी मानसून खंड आ, यानी कि टॉपिक ऑफ ट्रॉपिकल मानसून रीजन आ जिहड़ा कि जलवायु वाला वा, तां करके इत्थे वक्रे वक्रे समें दे विच जिहड़े वख वख हिस्सों के उत्ते डूंघा असर पाउंदियां ने। सैकेंड क्वेश्चन हैगा भारत में जिहड़ी मानसून वर्खा दी मुख विशेषता दस्सणियां ने। हुण असीं गल करदे आ भी जिहड़ा भारत में जिहड़ी सालाना वर्खा पैंदी आ उह 18 सेंटीमीटर के लगभग हुंदी आ, ते वर्खा मानसून पौणा द्वारा ही हुंदी आ, जिवें हुण जिहड़ी साडे पंजाब दे विच वर्खा हो रही आ उह की आ मानसूनी पौणा द्वारा चल रही आ। वर्खा दी रुत्त दे विच मात्र जिहड़ा वर्खा दी रुत्त ते मात्रा, भी जिहड़ा देश दे विच वधेरी वर्खा जिहड़ी आ उह 87% हिस्सा गर्मियां दी मानसून पौणा राहीं हुंदा वा, 3% जिहड़ी वर्खा हुंदी आ उह सर्दी दे विच, ते 10% जिहड़ी वर्खा हुंदी आ मानसूनी पौणा उह मार्च तों पहलां तक वर्खा हुंदी आ, ते जून तों सितंबर तक इह चलदी रहिंदी आ। अस्थिरता भी जिहड़ी भारत दे विच अंदर जिहड़े मानसून पौणा ने जिहड़ियां वर्खा हुंदी आ उह भरोसेयोग नहीं हुंदी, कदी कदी उह इक समान भी नहीं हुंदी आ, कदी इह वध पैंदे कदी घट पैंदे आ, डिपेंड करदा वा। नैक्सट हैगा असमान वंड, भी जिहड़ा भारत दे विच की आ वर्खा दा असमान वंड मन्नी जांदी आ। पछमी जिहड़ी घाट आ जिहड़ी उहदे विच की आ पछमी ढलाना जिवें मेघालय असाम पहाड़ी दे विच 250 सेंटीमीटर तों वध वर्खा हुंदी है, ते दूजे पासे जिहड़ा पछमी राजस्थान आ ते पछमी गुजरात आ ते उत्तरी जम्मू कश्मीर आ उहदे विच 25 सेंटीमीटर तों वध वर्खा हुंदी आ। अनिश्चित, भी जिहड़ा भारत दे अंदर जिहड़ा होण वाली मानसूनी वर्खा दे आ उहदी मात्रा जिहड़ी पूरी तरह की हुंदी आ निश्चित नहीं हुंदी हैगी, कदे तां इह की आ मानसूनी पौणा समय तो पहलां पहुँच जांदियां ने ते बहुत ज़्यादा वर्खा कर देंदियां ने, कई कई थावां दे उत्ते हड़ भी आ जांदा, जिवें हुण असीं सुण रहे हां भी की आ वैसट बंगाल ते उड़ीसा दे विच इक जिहड़ा तूफान उठिया सीगा जिहदा अज कल जिहड़ा उह हिट कर गया मुंबई नूं, तां उत्थे भी तबाही हुई आ, तां इह भी सारियां अनिश्चितावां मानसून करके ही अराइज़ हुंदियां ने।
नेक्स्ट हैगा खुश्क धरातल भी कई गर्मियों के जोड़ा मानसून वर्खा लगातार हो के कुछ दिन बाद हफ्तों बाद फर्क पैन लग जाता तो यदा वर्खा का चक्कर जोड़ा वो टुटन लग जाता वर्खा एक लंबी और खुश्क समा आ जाता है भी जाने कि वर्खा आनी बंद हो जाती है। नैक्सट हैगा वा पर्वती वर्खा हुण जिहड़ी पर्बतों के उत्ते वर्खा होंदी है जिहड़ी मानसून जिहड़ी आ मानसून वर्खा जिहड़ी पर्बतों के दक्षण पौण ढलानां दे विच ज़्यादा हुंदी है ते इहदे विच जिहड़ा पर्बतों की उत्तरी अते पौणमुखी ढलान ते वर्खा छाई का खेत्र बन जाती है तां करके उत्थे की है खुश्क रह जाता वा। मूसलेधार वर्खा भी यह की हुंदी आ बहुत ज़्यादा मात्रा में ते कई कई दिन इहदे विच मीह पैंदे रहिंदे आ तां करके इत्थे की आ भी जिहड़ा मीह आ वह बहुत ज़्यादा पैंदा रहिंदा। इसे करके भी कहावत भी आ भी भारत में वर्खा पैंदी नहीं बल्कि डिगदी है। नैक्सट है भी थर्ड क्वेश्चन भारतीय जीवन अते मानसून पौणा का की असर है उदाहरण सहित दसो भी किसी भी देश या उसके खेत्र की आर्थिक धार्मिक ते समाजिक विकास जिहड़ा वा उसके जलवायु का एक डूंघा प्रभाव पाउंदी आ। इस संबंध में भारत के कई अपवाद नहीं है भी जिहड़ा मानसून पौणा ने भारत के जिहड़ा वा जलवायु वह सर्वमुखी प्रभाव कारक है भी जाने कि यह की आ भी एक तरह का एक कारक डिपेंड करता वा जिदे करके साडे की ने फसलों ते होरां चीज़ों ते इफेक्ट पैंदा वा इसलिए इसकी महत्ता होर भी वध जाता है। तो ये हैगा फस्ट पॉइंट आर्थिक प्रभाव भी जिहड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था वो लगभग पूरी तरह खेतीबाड़ी पर आधारित है तो इस दे विकास के लिए मानसून वर्खा एक मजबूत धारा पैदा करती है तो मानसून के हुई वर्खा उच्च मात्रा के नाल जिहड़ी खेती का उत्पादन वो बढ़ जाता तो चारे पासे हरियाली तो खुशहाली छा जाती है। पर इसकी असफलता कारण भी जिहड़ियां फसलां ने सुक जांदियां ने तो सोका पै जांदा अनाज भंडारा विच कमी हो जाती है जिस करके जिहड़ा मानसून आ वो देरी नाल आए अते फसलां दी बिजाई जिहड़ा समां सिर नहीं हो पाउंदी ते उहदे उत्पादन दे विच भी कमी आउंदी है ते खेतीबाड़ी दा विकास भी रुक जांदा वा ता करके असी कहने भी जिहड़ा मानसून पौणा दा वा उह जुआ वा जाने कि उह गैम्बल ऑफ मानसून भी कहा जांदा वा। समाजिक प्रभाव भी भारत के लोगों का पहरावा खाण पीन समाजिक रीति रिवाज मानसून पौणा का डूंघा प्रभाव दिखाई देता है भी जिवें मानसून के वर्खा शुरू हो जाती है तो तापमान की है कुछ घटन लगता तो इस जे लोग जोड़े होंगे वो की करते हैं उन्हों का जोड़ा पहरावा वो बदलन लग जाता वा वो मानसून के उत्ते देश की एक रुत चलता रहा है तो वह खाण पीन के पहरावे भी बदलाव रहा है। कदे कदे जोड़े लोग ने गर्म कपड़े पाने पैदे हैं कदे कई बार सूती हल्के कपड़े पाने पै जाते हैं। नैक्सट है धार्मिक प्रभाव भी भारत के अनेक त्यौहार जोड़े ने मानसून के नाल जुड़े हुए हैं कुछ का संबंध जोड़ा फसलों की बिजाई के नाल है तो कुछ का संबंध की आ फसलों के पक्कण उसकी कटाई के उत्ते है तो जिहड़ा पंजाब दे त्यौहार है जिवें विसाखी इहदे एक उदाहरण है जिथे की आ भी पंजाब दे लोग किसान फसल पक्कण दे उत्ते उह नचदे गाउंदे हन तो इस तरीके नाल सानूं पता लगता भी जिहड़ा जलवायु आ वो क्लाइमेट आ वो कई चीज़ां नूं इफेक्ट करदा साडे धार्मिक ते सोशलिस्टिक लाइफ ते दूजा की आ इकोनॉमिक लाइफ में यह इफेक्ट करते हैं। आई होप तुहानू यह जिहड़ी वीडियो पसंद आई होगी ये जो क्वेश्चन आंसर ने नोट डाउन करने अपने कॉपीज़ उत्ते इन्हों रिवाइज करना वा तो जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी तो इनू लाइक करो तो इनू शेयर करो। थैंक्स लॉट वॉचिंग फॉर माई सैशन।